हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी जेई और डीएमसी सीएमए का जो फीस रिफंड है वो कब तक वापस मिलेगी और कितनी फ़ीस किन किन स्टूडेंट्स को वापस मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जो लोको पायलट का एग्ज़ाम होता, जो लास्ट ईयर जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर उनके जो अकाउंट के अंदर फीस रिफंड नहीं हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, अब वो किन कारण से उनकी फ़ीस रिफंड नहीं हुई है, जो गलती उन्होंने की है वो गलती आप मत करना। आपको एक बार फिर से मौका मिलेगा आपको आपकी गलती सुधारने का। जो आपने जो गलती की है वो मैं सारी गलती बताऊँगा। तो आपकी किन कारणों से जो फीस आपके अकाउंट में नहीं आई है या फिर किन स्टूडेंट्स को फीस वापस नहीं मिलेगी, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। फाइनली ये भी डिस्कस करेंगे जो आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो किस डेट को जारी होगा। तो सारी चीज़ें हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जो नोटिस निकला था आरआरबी का, सीएन कॉमन एंट्रेंस इन जो सीएन का सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन का जो नोटिस था 3/2018 जेई डीएमएस और सीएमए पोस्ट के लिए, उनके लिए जो सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है कि एग्ज़ाम कब होगी और रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा। द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट स्टेज सीबीटी आर अंडर फाइनलाइजेशन एंड द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली। यानी कि ये जो रिजल्ट है आप यहाँ पे लिख के ले लो दोस्तों कि जो रिजल्ट है वो 5 अगस्त को रिजल्ट, यानी कि 5 अगस्त को रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। 5 अगस्त तक जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा और जो सेकंड स्टेज सीबीटी है वो आपका जो स्टार्ट हो जाएगा अगस्त लास्ट वीक यानी या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में आपका जो सीबीटी सेकंड का जो है एग्ज़ाम वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो नोटिस है ये आरआरबी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको डेट नहीं मिलेगी। ये जो डेट है 5 अगस्त, ये यूपी के जो इलाहाबाद के न्यूज़पेपर उसके अंदर आई थी कि 5 अगस्त को रेलवे वो जो आरआरबी जेई डीएमएस सीएमए का जो सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देगा। और एक न्यूज़ और आई थी दोस्तों कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है जिन कैंडिडेट्स जो जनरल और ओबीसी के हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी मिलेगी और कब मिलेगी, एससी एसटी वालों को भी कब मिलेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जैसे 5 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको जो फ़ीस रिफंड है वो 7 या 8 तारीख तक जो फीस रिफंड है वो आपके अकाउंट में हो जाएगी। अब किन कारणों से बहुत सारे स्टूडेंट के उनके अकाउंट में फ़ीस रिफंड नहीं होती वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। जो एग्जामिनेशन फ़ीस लगी थी 500 रुपये लगी थी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी की, ओबीसी कैंडिडेट की और ईडब्ल्यूएस की, ये फ़ीस लगी थी 500 रुपये लगी थी उनकी फ़ीस। अब रिफंड कितनी होगी उनको फ़ीस रिफंड होगी 400 रुपये फ़ीस रिफंड होगी उनके अकाउंट में। नेक्स्ट, ये कब हो रिफंड होगी, ऑन द अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। अगर आपने फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट टेस्ट सीबीटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसको, वो अगर आपने अपीयर एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हो तो ही आपको ये 400 रुपये मिलेंगे, अदरवाइज आपको ये 400 रुपये रिफंड नहीं होंगे। सेम प्रोसेस होने के लिए एस सी एस टी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर या फिर माइनॉरिटीज़ इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो ईडब्ल्यूएस इनके लिए, ये ईडब्ल्यूएस वालों की ये है जो 250 रुपये इनको मिलेंगे, इनको पूरे कंप्लीट 250 रुपये मिल जाएंगे, इनके कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा अगर आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी में अपीयर हुए हो तो। अब इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस करेगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार आरआरबी जेई डीएमसी सीएमए सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट के बाद ही मिलेगा परीक्षा शुल्क, यानी कि 5 अगस्त को रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। 5 अगस्त को 5 अगस्त को रिजल्ट है वो सीबीटी फर्स्ट का डिक्लेयर हो जाएगा आरआरबी जेई का, और 7 या 8 तारीख को आपका जो फीस रिफंड है वो मिल जाएगा। अब आपको दोस्तों करना क्या, जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपके अकाउंट में फ़ीस रिफंड क्यों नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ई मित्र से या फिर किसी कैफे से अपना जो फॉर्म वो भरा है और वहीं से जो शॉप वाला है उसी के अकाउंट से आपने पैसे कटवाए हैं, तो उसके अंदर जो बैंक डिटेल मांगी जाती है उस दुकान वाले ने अपनी ही बैंक या फिर ई मित्र वाले ने या फिर जो ऑनलाइन जहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं उसने अपने अकाउंट की डिटेल डाल दी थी, तो आपको एक मौका और मिलेगा। जैसे फ़ीस रिफंड होगा तो वहाँ पे आपको अकाउंट मॉडिफिकेशन का एक ऑप्शन लिंक दिया जाएगा आरआरबी द्वारा, तो अकाउंट मॉडिफिकेशन में आप जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपका जो खुद का बैंक अकाउंट है
आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका खुद का नेम, आपका जो बैंक अकाउंट है उस बैंक का आईएफएससी कोड और बैंक होल्डर का नेम, ये सारी चीज़ें आपको अपनी भरनी है ताकि जो आरआरबी फीस रिफंड करे तो वो आपके ही अकाउंट में आए। तो पिछली बार ये हुआ था कि ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो फीस रिफंड है वो किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कैंडिडेट ऐसे जो अपने दोस्तों से फॉर्म भरवाते हैं और बोलते हैं यार मेरा फॉर्म भर दे तू, तो उसने उसका फॉर्म भर दिया और उसमें अपनी खुद का ही बैंक डिटेल है वो फिल कर दी थी, तो जो टोटल जो फीस रिफंड है वो उसी के बैंक अकाउंट में जाएगी जिसका जो अकाउंट वो उस टाइम फॉर्म भरते समय फिल किया था। तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आपका जो अकाउंट का जो आप मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हो। मॉडिफिकेशन में आपको करना क्या, सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तो क्योंकि ये आपका जो फीस रिफंड है 400 रुपये आपके अकाउंट में आनी चाहिए, 250 रुपये ये आपके अकाउंट में आनी चाहिए, किसी दूसरे अकाउंट में नहीं जानी चाहिए। आरआरबी आपको एक ऑप्शन देगा जहाँ पे आपको मिलेगा कि लिंक मिलेगा, जैसे जो भी जिस भी आरआरबी से आपने वो फॉर्म भेजा है उस भरा है उस आरआरबी को आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में वहाँ पे आपको मिलेगा क्लिक हेयर टू मॉडिफिकेशन योर अकाउंट डिटेल, क्लिक हेयर टू मॉडिफिकेशन योर अकाउंट डिटेल, तो उस पर क्लिक करने के बाद में आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में डायरेक्ट जो अकाउंट मॉडिफिकेशन डिटेल है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद में जिस भी अकाउंट में आपका डिटेल, या तो अपना अकाउंट दे दीजिए, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो अपने फैमिली में अपने फैमिली मेंबर का किसी का भी दे दीजिए ताकि उसमें वो पैसे वो ट्रांसफ़र हो जाएँ। उसमें आपको करना क्या है, उस अकाउंट का नंबर, अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट्स में नाम है, अकाउंट होल्डर का नेम तथा आईएफएससी कोड बैंक का, ये सारी चीज़ें करेक्टली फिल करनी है, तो उसके बाद में जो पैसे हैं वो आपके ही अकाउंट में आएंगे दोस्तों। उसके बाद में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी कि आपके पैसे नहीं आएंगे, उसका ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर नेक्स्ट एक जो केस देखते हैं, इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर यूपीआई से, द कैंडिडेट शुड कन्फर्म इफ दे विश टू रिसीव टू रिफंडेबल पोर्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस। अगर वो इच्छा करते हैं कि अपनी एग्जामिनेशन फीस रिफंड हो, जो जनरल और ओबीसी की 400 रुपये, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस की 250 रुपये एज एप्लीकेबल ऑन द अटेंडिंग फर्स्ट स्टेज सीबीटी, जिन्होंने फर्स्ट स्टेज सीबीटी अपीयर किया यानी अटेंड अपीयर हुए हैं एग्जाम के अंदर, उन्हीं कैंडिडेट्स को ये जो फीस है ये रिफंड होगी। और अगर जो फर्स्ट स्टेज में अपीयर नहीं हुए वो ये सोच रहे हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे रिफंड हो, तो उनका नहीं होगा दोस्तों। इन द अकाउंट फ्रॉम विच दे हैव मेड पेमेंट, यानी जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, और अल्टरनेटिवली प्रोवाइड द बेनिफिशरी अकाउंट इन विच दे विश टू रिसीव द रिफंड बाय बेनिफिशरी नेम, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। उसमें आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, जैसे अगर किसी ने फॉर्म आपका फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें एक ऑप्शन और था कि आप किस अकाउंट में अपना जो फीस रिफंड है वो चाहते हो, तो वहाँ पर भी अगर उसमें आपका अकाउंट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपका अकाउंट डिटेल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपके अकाउंट में आएगी वो पैसे। द रिफंडेबल पोर्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिटेक्टेड बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल। द कैंडिडेट हु हैव मेड पेमेंट ऑनलाइन थ्रू SBI चालान और पोस्ट ऑफिस चालान मोड शुड प्रोवाइड डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी अकाउंट इन विच दे विश टू रिसीव द रिफंड बाय बेनिफिशियरी में, यानी कि जिन्होंने SBI चालान से किया है, पोस्ट ऑफिस से पेमेंट किया है, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला हुआ ऑनलाइन कि आप किस बेनिफिशियरी अकाउंट के अंदर अपना जो रिफंड है वो चाहते हो, तो वहाँ पे आपने अपनी जो डिटेल फिल की है, एक्स्ट्रा जो डिटेल फिल की है, मुझे इस अकाउंट के अंदर मेरे पैसे चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ पे आपने नहीं किया है वो फिल, तो आपको एक मॉडिफिकेशन का लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाके जल्दी लिंक मिलेगा, यानी 5 तारीख को रिजल्ट जैसे डिक्लेयर होता है तो 7, 8, 9 तारीख तक आपको वो लिंक मिल जाएगा और 10 तारीख तक आपका जो रिफंड है वो हो जाएगा। देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फर्निश करेक्ट बैंक डिटेल lie on the candidate and RRB does not entertain any correspondence for the candidate on this account. अगर आपने account detail गलत fill की है तो उसके लिए RRB responsible नहीं है दोस्तों। उसने साफ instruction दे रखे हैं कि candidate अगर जो fees refund चाहता है, अगर उसने जो account detail दिया है अगर वो incorrect है, तो इसके लिए RRB है वो responsible नहीं है। तो ये थी दोस्तों जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आरआरबी फीस रिफंड स्टेटस है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। आज 2 तारीख का, तो 5 तारीख तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और 7 या 8 तारीख तक जो फीस रिफंड प्रोसेस है वो स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको फीस रिफंड में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, अगर आपको फीस रिफंड अपने अकाउंट जो डिटेल वो गलत फिल कर दिए, आगे आपको क्या करना है कि आपने अकाउंट डिटेल जो फिल कर दिए, आपके दोस्त ने अपना खुद का अकाउंट डिटेल डाल दिया है, तो आप को जो भी प्रॉब्लम है किसी तरह की भी अगर परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको किस तरह की परेशानी है अकाउंट आरआरबी जेई फीस रिफंड स्टेटस में, कि आपका जो फीस रिफंड क्यों नहीं हो रहा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये जो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें,
पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आगे आने वाली जो भी लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं RRB JE से रिलेटेड, RRB जो NTPC है, RRB RRC ग्रुप डी की भर्ती है, तो इस सभी से रिलेटेड आपको जो लेटेस्ट अपडेट होगा मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जैसे अभी जो RRB ग्रुप RRC ग्रुप डी के जो जिन कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उनको भी एक दोबारा चंद मौका मिलेगा अपना फॉर्म को मॉडिफाई करने का फ्रेंड्स, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनको भी एक मौका दोबारा फिर से मिला, क्योंकि लाखों के अभ्यर्थी, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, लगभग 10 से 15 लाख के लगभग ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गए थे, तो उनको दोबारा मौका मिलेगा। तो ये सभी इंटरेस्टिंग जो वीडियो हैं आपके लाइक हैं, आपके आपको जो अवेयर करते हैं न्यूज़ से, तो इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।